पढ़ाने जा रही हूँ। अब हम जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या वो होती है जो जीरो से शुरू होती है, ठीक है, उसे कहते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या जो होती है वे संख्या है जिसे हम ऐसे पी पॉइंट क्यू के रूप में रख सकते हैं। परिमेय संख्या को होती है जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में रख सकते हैं, परंतु जो क्यू हो हमारा जीरो ना हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, बोला है, एक एग्जांपल दिया है जिसमें बोला गया है कि नीचे लिखे गए को हमें सत्य या असत्य बताना है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। अब इसमें बोला प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो नहीं होती, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है मैंने आपको बताया वो जीरो से होती है और प्राकृतिक एक से शुरू होती है। तो हमारी जो पूर्ण संख्या है, जो पूर्ण संख्या है वो हमारी जीरो से होती है और जो प्राकृतिक संख्या है प्राकृतिक संख्या है वो वन से होती है। तो इसने हमसे पूछा क्या दोनों बराबर होती हैं, तो नहीं होती, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, नो, ठीक है, फर्स्ट का आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या है एक परिमेय संख्या होती है। अब इसने बोला पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है जिसे हम ऐसे पी अपॉन क्यू के रूप में स्थापित कर सकें जिसमें ए हो, ठीक है। परिमेय संख्या भी हमें पता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, इसलिए ये दोनों क्या सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को m को m अपॉन वन के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए एक ये परिमेय संख्या भी है, ठीक है। रीजन बदल, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है होती है, गलत, क्योंकि परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हम थ्री अपॉन फाइव को एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसकी डिजिट नीचे छोटी है इसलिए पूर्णांक नहीं है, परंतु ये एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। एग्जाम्पल सेकंड, इसमें बोला गया है वन और टू के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब हमारे बुक में इस एग्जाम्पल में दो मेथड दिए हुए हैं, एक इस विधि के द्वारा एक इस विधि द्वारा, ठीक है। अब मैं आपको दोनों मेथड कराऊंगी, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कीजिए, ठीक है। दो मिनट बंद कर, ठीक है, इसका आंसर हम देखते हैं। इसमें हमें क्या बोला है कि टू वन और टू के बीच में, वन और टू के बीच में हमें कितने, पांच परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जो इसमें एग्जांपल में बताया गया है कि अगर हमें पाँच निकालनी है तो इसमें हम फाइव में वन प्लस करेंगे अपनी तरफ से। अगर हमें जैसे टेन बोला होता तो टेन में वन प्लस करते, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें थर्टीन बोला होता उसमें भी हम वन प्लस करते, तो यहाँ, ठीक है, इसी प्रकार। तो हमने इसमें वन प्लस की दिया तो यहाँ पे सिक्स हो गया, तो यह हमारे पास सिक्स अपॉन में सिक्स और इसका क्या होगा, ट्वेल्व अपॉन में सिक्स, ठीक है। अब हाँ, अब आप बोलोगे कि ट्वेल्व कैसे है,
इन दोनों को इंटू किया तो ये 12 आया, और इनका बेस सेम होना ठीक है, इसलिए 6। अब हमें कितने बोली थी, चार संख्याएं, ठीक है, तो हमें चार संख्या निकालनी है, तो इसके अंदर बीच में चार संख्या होगी ना, तो हमारा संख्या है 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6, 11/6। अब 12 को ले नहीं सकते क्योंकि ये दोनों अलग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास कितनी, पांच संख्या, मतलब कि एक्स्ट्रा संख्या आ गई हमारे पास, तो हमारे पास जिसने चार बोला था हमारे पास ये आ गया, तो ये हमारा आंसर है। अब हम आपको 1.1 कराते हैं। अब देखिए हमारे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस फर्स्ट चैप्टर का 1.1, सॉरी, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ये हमसे पूछ रहा है। शून्य जो जीरो है, ये हमारा जीरो जो है ये एक परिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर क्या है, यस है ना ये, तो हाँ ये एक परिमेय संख्या है, ये हमें पता है क्योंकि जीरो है। तो अगर ये है, आपको लगता है, तो क्या इसे आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ पर जो पी और क्यू, क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं। देखो 0/2, 2 0/3, 0/4, ठीक है ना, तो इसका आंसर हमारा यही होगा। एग्जाम्पल हमें दे देना है कि अगर है तो कैसे है, और इसने एक चीज़ ध्यान देना, इसने बोला है कि जो क्यू है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये बोलता कि क्यू जो है हमारा जीरो होना चाहिए तब ये हमारा आंसर नो आता, ठीक है, अभी इसका आंसर यस है, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इधर सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि जो 3 और 4 है, ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसने कितने बोले, 6, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6+1, हमने एग्जांपल में सीखा था ना, तो ये हमारा कितना हो, 7 हो गया, तो अब ये 7 हो गया है, तो हमारा बेस क्या हो गया, 7, और यहाँ पे क्या आएगा, 3, और यहाँ पे 7, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, 4 7 और 7, तो इन दोनों में कॉमन ही है, 7 यहाँ पे ले लेंगे, 7 को इससे इंटू करो तो कितना आएगा, 21, इसको इससे इंटू करो तो क्या आएगा, 28, ठीक है, और हमारा बेस सेम है। अब कई बार क्वेश्चन में वो होता है बेस सेम नहीं होता है, तो उसके लिए भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है, वैसे क्वेश्चन मैं आपको अभी अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो इसने इन इन दोनों के बीच में कितने, हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो, ये बोला है ना, तो हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, तो कितने, 6, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 आ गई। और ये ध्यान रखना कि ये दोनों डिजिट को नहीं लेते हैं, ठीक है, इनके बीच की संख्याओं को लेते हैं, तो हमारा आंसर ये है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अब थर्ड क्वेश्चन, 3/5
और 4/5। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ इसमें प्रॉफिट में मिल गई है कि दोनों का बेस क्या है, सेम है। हमें सेम नहीं बेस चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए, तो पहले ऑलरेडी सेम है तो इससे और अच्छे से बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इसने कितना बोला 5, तो मैं 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1+ करेंगे, बट इसमें हमें ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि हमारे पास बेस ऑलरेडी है हमारे पास गिवन। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको आप ऐसी डिजिट से इंटू कीजिए दोनों को सेम डिजिट से, जिससे क्या हुए इन दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है वो क्या है 6, 5 परिमेय संख्याएं बीच में आ जाएं दोनों के बीच में। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 10 से और यहाँ पे भी 10 से किया, तो इससे हमारा क्या होगा इन दोनों का बेस हमारा सेम है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग चीज़ से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए अगर हमारा बेस सेम नहीं होता तो पहले बेस सेम करना होता है, परंतु यहाँ पे पहले दिया होता है तो इसलिए हमें सेम डिजिट से ही इंटू ऊपर नीचे करना होता है, अलग अलग से नहीं करना, ऊपर और नीचे एक ही डिजिट से करना होता है। यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। अब आराम से हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो कितना हो गया 31, 32, 33, 34, 35, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने बल्कि 6 निकाल दिए, यानी कि और भी हमारे पास है, परंतु हमारा आंसर इतने में ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला है ट्रू और फॉल्स, यानी कि सत्य और असत्य। और अगर आप ये बताएंगे कि सत्य है या असत्य है, और उसके साथ साथ हमें रीज़न भी देना है कि ये चीज़ को हम नो क्यों बोल रहे हैं और यस क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी ये देखिए दिया हुआ था, मैंने आपको समझा दिया है। ये क्वेश्चन आप स्वयं खुद करें, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और हमारे चैनल को नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर।